दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। दशहरा के आजो छठा दिन माता कात्यायनी के पूजा आराधना करके मनावल जा रहा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ के प्रमुख गोयल बीच 2 घंटा भेंटवार्ता। भेंटवार्ता के विषय सार्वजनिक न भेल। केंद्र सरकार के निर्णय उल्टा रहल प्रदेश सरकार सब। 5 गो प्रदेश कैलक संक्रमित के इलाज करे के निर्णय। भारत द्वारा नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण। अचूक निशाना शत्रु के टैंक के ध्वस्त कर सके। आ चैंपियंस लीग फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख के शानदार जीत। एथलेटिको मैड्रिड 4-0 से हारल। अब पूरा समाचार। नेपाली समाज में भव्यता के साथ मनावल जाए वाला पर्व दशहरा के छठा दिन देवी माता कात्यायनी के पूजा आजा कैल जा रहा बा। लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण देवी मंदिर आ शक्तिपीठ में जाके कैल जाए वाला दर्शन एवं पूजा आराधना प्रभावित भइल बा। माता कात्यायनी के साहस के प्रतीक मानल जाला। यज्ञ यज्ञादि दान लगायत के पुण्य कर्म और शुभ कार्य करत समय आसुरी वृत्ति के राक्षस सबसे होखे वाला विघ्न बाधा रोकेला देवी कात्यायनी के ई लोक में आगमन भय ग्रंथ सब में उल्लेख बाटे। देव कार्य सिद्ध करे खातिर माता भवानी स्वयं कात्यायन ऋषि के आश्रम में पैदा भल रहले। तत्पश्चात वहाँ के कात्यायन ऋषि के पुत्री होखेला स्वीकार कैले रहले। राजर्षि जनक के पुत्री जानकी भल जैसन कात्यायन ऋषि के पुत्री कात्यायनी नाम से लोक में प्रसिद्ध भैली हा। माता कात्यायनी के बदन वर्ण संतोला रंग के रहल वर्णन कैल गेल बा। उनकर हाथ में चमकीला खड़ग बाटे तो उनकर इस शस्त्र के चंद्रहास खड़ग भी कहल जाला। अति शक्तिशाली सिंह में चढ़ के देवी कात्यायनी दानव के बध कैल देवी भागवत लगायत के ग्रंथ में उल्लेख कैल गेल बा। देवी कात्यायनी माता के पार्वती के सौर्य अवतार मानल जाला। देवी कात्यायनी के पूजा आराधना खातिर आज देवी मंदिर शक्तिपीठ तथा दशहरा घर सब में भक्त जन सब के उपस्थिति बाटे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल से 2 घंटा भेंटवार्ता कैले बानी। कल दोपहर भारतीय सेना के विशेष विमान से काठमांडू आयल प्रमुख गोयल कालुए ही राति ही प्रधानमंत्री ओली से 2 घंटा भेंटवार्ता कैनी हाँ। नेपाल भारत सीमा विवाद में भारत नेपाल से कूटनीतिक आ राजनीतिक वार्ता करला आनाकानी कर रहा समय गोयल अचानक नेपाल आके प्रधानमंत्री ओली लगायत उच्च पदस्थ व्यक्ति सबसे भेंटवार्ता कैले बारन। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दहाल आ शेरबहादुर देउवा गोयल से भेंट ना कैले स्पष्ट कैले बाटे। लोग गोयल आज सवेरे भारतीय एयरफोर्स के IFB-6045 कॉल साइन के चार्टर्ड विमान से स्वदेश लौटल बारन। प्रदेश सरकार सबसे अपन प्रदेश के लोग खातिर फ्री में इलाज करे के निर्णय करे के क्रम जारी बाटे। पिछला बेर बागमती प्रदेश अपन प्रदेश के कोरोना संक्रमित के इलाज फ्री में करे के निर्णय कैलक हा। इस संगे अभी तक ले 5 गो प्रदेश केंद्र सरकार के निर्णय विपरीत नागरिक के पक्ष में फैसला कैले बा। बागमती प्रदेश से पहले प्रदेश 1, प्रदेश 2, गंडकी प्रदेश आ लुम्बिनी प्रदेश अपन प्रदेश के संक्रमित के इलाज फ्री में करे के निर्णय कैलक हा। कर्णाली प्रदेश आ सुदूरपश्चिम प्रदेश इस संबंध में कौन निर्णय नहीं कैले। बागमती प्रदेश संक्रमित के इलाज फ्री में करे के बतौला पर भी केंद्र सरकार माथहत में रहल कोरोना संक्रमित के इलाज होखे वाला पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, सिविल अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, टीचिंग टेकू अस्पताल सहित में संक्रमित अपन इलाज खर्च अपने से बेहोरे पड़े के अड़ान कायम रखले बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश के शांति सुरक्षा के अवस्था सुरक्षा चुनौती आ प्रतिकार योजना बारे छलफल कैले बानी। काल प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बैठक देश के वर्तमान अवस्था आ सुरक्षा चुनौती के विषय में छलफल कैलक हा। सेना के प्रीतनापति समन्वयात्मक बैठक ओराय लगते सुरक्षा समिति बैठक बैठल रहे। प्रीतनापति बैठक में उठल विषय के संबंध में भी सुरक्षा परिषद के बैठक में छलफल आ विश्लेषण भइल रहे। बैठक COVID-19 के बढ़ रहल संक्रमण आ प्रतिबंधित समूह के गतिविधि सब मुख्य चुनौती के रूप में देखल बताओले बा। उपराष्ट्रपति नंदबहादुर पुन ई वर्ष के तीज पर्व के खर्च वापत के रकम कोरोना इलाज खातिर कोष के प्रदान कैले बानी। उपराष्ट्रपति पुन चालू आर्थिक वर्ष 2017-78 खातिर प्राप्त तीज पर्व खर्च वापत के रकम कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम नियंत्रण तथा उपचार कोष के प्रदान कैल बेहोरा उपराष्ट्रपति सचिवालय के विज्ञप्ति में उल्लेख बा।
उपराष्ट्रपति पुन उकोस में इससे पहले भी एक महीना के पारिश्रमिक रकम जमा कर चुकल बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। बारा के नेपाल भारत सीमा क्षेत्र से प्रहरी भारतीय युवक के पिस्तौला गोली सहित पकड़ लेवा। बिहार के मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण के दुधियावा गांव घर भइल 28 वर्ष के भारतीय ब्रिज किशोर कुशवाहा के एक थान पिस्तौला ओह में लागे वाला 5 राउंड गोली सहित पकड़ लेवा। सिमरनगढ़ नगरपालिका 9 छोटका बंकुल स्थित सीमा क्षेत्र में प्रहरी चेक जांच करे के क्रम में प्रहरी के देख के नलकटुआ पिस्तौल से फायर करत भागल कुशवाहा के प्रहरी पीछा करत जवाफी कार्रवाई में गोली चलौले रहे। प्रहरी से चलावल गोली लाग के गिरल कुशवाहा के प्रहरी नियंत्रण में लेहले बाटे। कुशवाहा के बायां पाखुरा में गोली लागल बाटे। घायल कुशवाहा के प्रहरी निगरानी में इलाज हो रहल 12 प्रहरी जनौले बा। नेपाल से संगठित रूप में वन्य जंतु संबंधी अपराध में शामिल मोस्ट वांटेड नीटूप लामा विरुद्ध इंटरपोल रेड नोटिस जारी कैले बा। अभी तक के ही ज्यादा वन्य जंतु अपराध में शामिल लामा विरुद्ध 15 अक्टूबर में इंटरपोल नोटिस जारी कैलख। 2062 में रसुआ के स्याफ्रुबेसी में बरामद भइल वन्य जंतु के अंग तस्करी में नीटूप के संलग्नता देखला बाद प्रहरी खोजी करत रहे। लामा नेपाल से संगठित रूप में बाघ के छाला आ तस्करी करे वाला गिरोह के मुख्य सदस्य भइल प्रहरी के दावी बाटे। बीतल अषाढ़ में लामा समूह के कुंजो कछिरिंग तमांग पकड़ाऊ पड़ला बाद प्रहरी नीटूप बारे थप सूचना संकलन करे में सफल भइल रहे। प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो लामा बारे विस्तृत विवरण संकलन करके पकड़ाऊ पुर्जी जारी करा के इंटरपोल में रेड नोटिस खातिर सिफारिश कैले रहे। चिनिया मूल के 61 वर्ष के लामा गोरखा के बासिंदा कहत नागरिकता लेहले रहलन। लामा के ग्यालछिन डोडूप जैसन नाम से भी जानल जाला। इससे पहले प्रहरी वन्यजंतु तस्करी मुद्दा में मोस्ट वांटेड लीडूप डीमे के रेड नोटिस जारी करत भारत से पकड़ के ले आयल रहे। अब आर्थिक समाचार। केवाईसी लगानीकर्ता में अब विद्युतीय माध्यम से घर से ही ग्राहक पहचान पत्र केवाईसी भरला सहज होगी। वो खातिर धितुपत्र बोर्ड से केंद्रीकृत विद्युतीय ग्राहक पहचान विवरण केवाईसी सेवा संबंधी कार्य संचालन निर्देशिका 2077 स्वीकृत कैल गेल बा। नेपाल धितुपत्र बोर्ड द्वारा केन्द्रीकृत विद्युतीय ग्राहक पहचान विवरण केवाईसी सेवा संबंधी कार्य संचालन निर्देशिका 2077 स्वीकृत कैल गेल बा। निर्देशिका स्वीकृत भइल संग ही लगानीकर्ता सब अब घर से ही केवाईसी प्रतिनिधि के अधिकार प्राप्त व्यक्ति या कर्मचारी मार्फत खुद व्यक्तिगत पहचान सहित केवाईसी विवरण भर सकी। बोर्ड द्वारा लगानीकर्ता सबके धितुपत्र बाजार मार्फत प्राप्त होखे वाला सीमा सुविधा आ ओकरा साथ संबंधित प्रक्रिया में समसामयिक सुधार करके थप सहज एवं जल्दी करे खातिर ई निर्देशिका जारी कल गेल जनावल गेल बा। बोर्ड के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण लगानीकर्ता धितुपत्र व्यवसायी कहाँ जाके ग्राहक पहचान फार्म भरेला असहज दिखाई पड़ल कारण घर से ही भरे मिले के बनावेला निर्देशिका स्वीकृत कल गेल। हाँ, ऐसे ऑनलाइन से भरल केवाईसी विवरण धितुपत्र बाजार भीतरे सभी निकाय से प्रयोग कर सके के व्यवस्था मिलावल बोर्ड जनौले बा। केवाईसी सेवा संबंधी कार्य संचालन निर्देशिका कार्यान्वयन में इलाहाबाद धितुपत्र बाजार मार्फत सेवा लेबे चाहे वाला लगानीकर्ता सब एक एक किस्म के विवरण बहुते ठाव में पेश करे पड़े के झंझट के अंत भइल बा। इससे लगानीकर्ता के धितुपत्र कारोबार प्रक्रिया में थप सहज एवं सरल होके के तथा समग्र धितुपत्र बाजार प्रविधि मैत्री होते बाजार विकास में थप सहयोग पुगे के बोर्ड के अधिकारी सब के आशा बाटे। बोर्ड द्वारा ई निर्देशिका कार्यान्वयन करे खातिर बुध के CDS एंड क्लियरिंग पेठावल जनावल गेल बा। निर्देशिका में 7 को मुख्य व्यवस्था बाटे। ग्राहक के विद्युतीय KYC दर्ता प्रतिनिधि संबंधी व्यवस्था, विद्युतीय KYC प्रणाली के विकास संबंधी व्यवस्था, ग्राहक से धितुपत्र कारोबार या ओ संबंधी सेवा लेवे खातिर विद्युतीय KYC दर्ता करे पड़े के संबंधी व्यवस्था, KYC विवरण प्रयोग संबंधी व्यवस्था, विवरण के परिष्कृत करके लागू करे के संबंधी व्यवस्था, ग्राहक के विवरण के गोपनीयता तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्था, विवरण के दुरुपयोग कैला पर कार्यवाही संबंधी व्यवस्था रहल बोर्ड जनौले बा। हरिशरण उपाने के रिपोर्ट। COVID-19 के कारण घटे के अनुमान कैल गेल विप्रेशन अप्रवाह अर्थात रेमिटेंस रकम चालू आर्थिक वर्ष के 2 महीना अर्थात सावन भादो में बढ़ल बाटे। 2 महीना में रेमिटेंस नेपाली रुपया में 8.1% से आ अमेरिकी डॉलर में 2.6% से
बढ़ल बा। कोरोना वायरस के महामारी के कारण घटे के अनुमान कल गिल विप्रेशन अर्थात रेमिटेंस बढ़ते गईल बा। चालू आर्थिक वर्ष के दो महीना अर्थात साउन आ भादो में 1,65,73 करोड़ रुपया रेमिटेंस नेपाल भीतर नेपाल राष्ट्र बैंक जनाउले बा। ई रकम पिछला आर्थिक वर्ष के पहिलका दो महीना के तुलना में 8.1% से बेसी है। पिछला वर्ष के साउन आ भादो अवधि में रेमिटेंस 0.6% से घटल रहे। चालू वर्ष के पहिलका दो महीना में अमेरिकी डॉलर में आवे वाला रेमिटेंस 2.6% से बढ़ के 1,39 करोड़ रुपया पुगल बा। पिछला वर्ष ऐसन रकम 1.6% से घटल रहे। दो महीना में वैदेशिक रोजगारी खातिर अंतिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नया आ वैधानिकीकरण लेवे वाला नेपाली के संख्या 99.2% से घटल बा। पिछला वर्ष के इही अवधि में ऐसन संख्या 0.2% से बढ़ल रहे। वैदेशिक रोजगारी खातिर फेरू श्रम स्वीकृति लेवे वाला नेपाली के संख्या दो महीना में 86.5% से घटल बा। पिछला वर्ष के इहे अवधि में ऐसन संख्या 10.3% से बढ़ल रहे। समीक्षा अवधि में खुद ट्रांसफर 4.4% से बढ़ के 183.66 करोड़ पुगल केंद्रीय बैंक जानकारी देले बा। पिछला वर्ष के उहे अवधि में ऐसन ट्रांसफर 0.5% से बढ़ल रहे। चालू आर्थिक वर्ष के पहल का महीना में विप्रेशन आप्रवाह 23% से वृद्धि होके 92.71 करोड़ रुपया रहे। पिछला वर्ष के पहल का महीना के तुलना में समीक्षा अवधि में विप्रेशन आप्रवाह 2% से बढ़ल रहे। अमेरिकी डॉलर में विप्रेशन आप्रवाह 14.5% से बढ़ल तथ्यांक केंद्रीय बैंक सार्वजनिक कैले रहे। हरिचरण उपानी की रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंक आज से 20 रुपया का नया नोट बाजार में लियावल बाटे। साबिक के आकार रंग आ 12 विषय के 12 सिंह के चित्र रहल 20 रुपया के नया नोट आज से चलन चलती में लियावल। बैंक अंतर्गत के मुद्रा व्यवस्थापन विभाग जनौले बा। विभाग के मुताबिक नोट के अग्रभाग में बायां तरफ सगरमाथा के चित्र, दायां तरफ लाली गुरास के पानी छाप, तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर चिरंजीवी नेपाल के हस्ताक्षर, निचला भाग के बॉर्डर में सीरीज नंबर नेपाली में विक्रम संवत 2076 लिखल गई बाटे। उल्लेखा पृष्ठ भाग में नोट के माध्यम भाग में ऊपरला खंड में अंग्रेजी में नेपाल राष्ट्र बैंक लिखल, मध्य भाग में 12 सिंह के चित्र रहल, निचला भाग में बॉर्डर में अंग्रेजी में ₹20 लिखला, सीरीज नंबर अंग्रेजी में 2020 AD लिखल होके के राष्ट्र बैंक जनावले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत आज सवेरे राजस्थान के पोखरण में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण कैले बा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से बनावल इ मिसाइल के परीक्षण आज सवेरे 7 बजे कैल गेल। नाग क्षेपास्त्र पूर्वतया भारत से ही निर्माण कैल गेल। DRDO एकर विभिन्न परीक्षण सब करते आ रहल बा। वो क्षेपास्त्र में अचूक निशाना लगाव के क्षमता के साथे शत्रु के टैंक के ध्वस्त कर सके के उल्लेख बाटे। एकर तौल बहुते हल्का बाटे। ई मध्यमा छोट दूरी के क्षेपास्त्र हुए। एकरा लड़ाकू विमान, युद्ध विमान तथा अन्य हथियार में जड़ान कर सकल जाई। भारत एक महीना से अलग अलग किस्म के आधा दर्जन से बेसी स्वदेशी मिसाइल में काम कर चुकल बा। अब खेलकूद समाचार। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग फुटबॉल के नया सीजन में शानदार जीत शुरुआत कैले बा। बायर्न स्पेनिश क्लब एथलेटिको मैड्रिड के 4-0 से हरौले बा। घरेलू मैदान में भइल खेल में पहिलका हाफ में 2 गोल कैले बायर्न, दोसर का हाफ में थप 2 गोल कैले रहे। बायर्न खातिर किंग्सली कोलमैन 28वां 72वां मिनट में करके 2 गोल कैले रहलन। 41वां मिनट में लियोन तथा 66वां मिनट में केरेंटिन गोल कैले रहलन। जर्मन जायंट बायर्न चैंपियंस लीग में लगातार 12 खेल में जीत दर्ता कैले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। दशहरा के आज 6ठा दिन माता कत्यायनी के पूजा आराधना करके मनावल जा रहा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली या भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ के प्रमुख गोयल बीच 2 घंटा भेंटवार्ता के विशेष सार्वजनिक नाम है।
केन्द्र सरकार के निर्णय उल्टा रहल प्रदेश सरकार सब पांच गो प्रदेश कैलक संक्रमित के इलाज करे के निर्णय। भारत द्वारा नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण, अचूक निशाना शत्रु के टैंक के ध्वस्त कर सके। आ चैंपियंस लीग फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख के शानदार जीत, एथलेटिको मैड्रिड 4-0 से हारा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।